हेलो एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स यस बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन यानी महंगाई अब इस महंगाई की जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे और बहुत ही आसान बनाने वाले हैं और इसमें आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें सिखाएगा कि वॉट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन या वॉट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फ्लेशन और उस प्रॉपर्टीज़ में आती हैं दो प्रॉपर्टीज़ दैट इज डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश तो आज हम सीखने वाले हैं इन्फ्लेशन का फर्स्ट पार्ट जिसमें हम सीखेंगे कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन जिसमें हम दो कॉजेज देखेंगे दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इन अ वेरी इजी वे एज यू नो दैट सिंपलिसिटी इज अवर मेन मोटो न जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं बच्चों तो जो इन्फ्लेशन है वो जनरली हम कहते हैं महंगाई महंगाई में देअर इज राइज इन द प्राइस लेवल प्राइस लेवल बढ़ने लगता है और जब प्राइस लेवल बढ़ने लगता है तो हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस होने लगता है और वो महंगाई हमारी इकनॉमी में किस कॉजेस की वजह से होती है दैट वी हैव टू डिस्कस ना पहले पहले हम लिखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है अब जनरली ऑल द इकोनॉमिस्ट वॉट दे से कि जनरल राइज इन द प्राइस लेवल को हम क्या कहते हैं बच्चों इन्फ्लेशन कहते हैं इस दौरान हमारी जो रियल वेजेस हैं इट स्टार्ट फॉलिंग वो हमारे रियल वेजिस को रिड्यूस कर देता है क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है जो चीज़ें हम पहले बिफोर इन्फ्लेशन परचेज़ करते थे लेकिन प्राइस इतनी बढ़ गई महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो हमारी इनकम है वो फिक्स्ड है लेकिन प्राइस बढ़ गई महंगाई बढ़ गई तो हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया यानी हमारे रियल वेजेस जो हैं वो रिड्यूस हो गए अब इसी इन्फ्लेशन को अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अंदाज में उसको डिफाइन किया है लेकिन आप लिखना कोई भी एक डेफिनेशन अब जैसे क्राउदर ने एक डेफिनेशन दिया था अब क्राउदर ने क्या कहा था कि इन्फ्लेशन क्या है एक स्टेट यानी एक पोजीशन, एक लेवल इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग पैसे की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। इसका मतलब दैट इज प्राइज इज राइजिंग तो क्राउडर का डेफिनेशन था कि इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग दैट इज प्राइज इज राइजिंग ये था क्राउडर का डेफिनेशन दो और डेफिनेशन देख लेते हैं जैसे पॉल सेमिल्सन ने कहा इसने तो दे बहुत इजी डेफिनेशन दे दिया इन्फ्लेशन से रिलेटेड ही कि अ राइज इन द जनरल प्राइज लेवल जब जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूस बढ़ती जाए राइज इन द जनरल प्राइस लेवल उसे हम क्या कहते हैं बच्चों इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है और वो महंगाई, वो प्राइस हमारे बजट को पूरा हिला के रख देती है यानी हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाता है तो वैन राइज़ इन द जनरल प्राइज लेवल उसे हम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन या जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन हीरो है दैट इज जे एम किन्स जिसने हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक सिस्टमैटिक ब्रांच और थियोरीज को डेवलप करके दिया उस जे एम किन्स का कहना है कि इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइस लेवल आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अप्रोच कर लेते हैं रीच कर लेते हैं उसके बाद भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन स्टार्ट है देन वी विल सी दैट ऑल द रिसोर्सिस आर फुल्ली यूटिलाइज हमने रिसोर्सिस को फुली यूटिलाइज कर लिया बट देन टू देर आई गो ऑन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इन कंजम्पन तो एज अ रिजल्ट वी ऑब्जर्व इन्फ्लेशन का पोजिशन तो जे एम किन्स का कहना है इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइज लेवल लेकिन आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट तो हर एक का एक अलग अलग अंदाज था अब जब हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं क्यों होती है ये इन्फ्लेशन क्यों ये प्राइस को हमेशा पुश कर देती है या राइज़ हो जाती हैं बढ़ जाती हैं महंगाई बढ़ जाती है और वहाँ हमारा परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाता है इन्फ्लेशन के दो बेसिक कॉजेज हैं यानी दो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके लिए हमने क्वेश्चन भी ऐसे लिखा है कभी कभी आपके क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कॉज ऑफ़ इन्फ्लेशन उन्होंने आपसे पूछा कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन बताओ विथ सूटेबल डाइग्राम के साथ या उन्होंने अलग अंदाज में पूछा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पुल क्यों डिमांड पुल हो गई ज़्यादा हो गई या कॉस्ट पुश हो गई हमने कॉस्ट को बढ़ा कर दिया इन्फ्लेशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डाइग्राम्स तो क्वेश्चन किसी भी अंदाज में आए जवाब तो एक ही है ओके okay, बच्चों तो पहले इंट्रोडक्शन लिखा अब इंट्रोडक्शन में जनरली हमने बता दिया कि जनरली हम इन्फ्लेशन का मतलब क्या समझते हैं राइज इन द प्राइस लेवल एंड ड्यूरिंग दैट आवर रियल वेज इज रिड्यूस्ड एंड वी ऑल्सो फाउंड की परचेजिंग पावर ऑफ पीपल गेट रिड्यूस वो भी कम हो जाता है और उसके बाद यू कैन राइट एनी वन डेफिनेशन जैसे सेमिल्सन का डेफिनेशन बहुत ईजी है वॉट पॉल सेमिल्सन से अ राइज इन द जनरल प्राइज लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन और अगर जे एम कीन्स का अगर डेफिनेशन कहना है तो इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन द प्राइज लेवल आफ्टर द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट और अगर क्राउदर का डेफिनेशन कहना है बच्चों तो क्राउडर का भी डेफिनेशन ईजी है जो मैंने अपने नोट्स में भी आपको दिया है इन्फ्लेशन मीन्स अ स्टेट और अ पोजिशन और अ लेवल इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग यानी प्राइज इज राइजिंग तो कोई भी एक डेफिनेशन आपको लिखना है आपका काम पूरा अब इसके बाद हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के दो मेन जो पॉसिबिलिटीज हैं रीजन है वो दो हैं नंबर वन डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ जाती है डिमांड पुल हो जाती है इकोनॉमी में एक तो ये रीज़न है और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अब हम देखेंगे डिमांड पुल क्यों होती है पहले ये देखेंगे डिमांड पुल क्यों होती है उसके रीजन्स हम डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसको डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे फिर हम देखेंगे कॉस्ट पुश के रीजंस क्या है क्यों कॉस्ट पुश होती है क्यों कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर उसको डायग्राम से रिफ्लेक्ट करें ठीक है बच्चों तो पहला पहला हमारा कॉज है यानी मेन रीजन है डिमांड का पुल होना जब हम कहते हैं डिमांड का पुल होना यानी वेन राइज इन द प्राइस क्यों ड्यू टू एक्सेस डिमांड आपकी प्राइस लेवल बढ़ गई है मार्केट में क्योंकि देयर इज एक्सेस डिमांड डिमांड ज्यादा है बट इकोनॉमी में उतनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है सो एज अ रिजल्ट देयर इज अ अयरसिटी वहां पे है शॉर्टेज तो आपका शॉर्टेज आपकी स्केरसिटी किसको क्रिएट करती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो आपके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को क्रिएट करती है तो पहला पहला देखेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन वेन द राइज इन द प्राइज लेवल इज फाउंड ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सेस डिमांड उसे हम क्या कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और इसका दूसरा नाम एक्सेस डिमांड भी माना जाता है बच्चों क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा हो गई है और डिमांड क्यों ज्यादा हो गई है ये भी बहुत इजी है अब देखो जैसे फर्स्ट फर्स्ट में बता रहे डिमांड क्यों ज्यादा होती है जैसे फर्स्ट वन है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो डिमांड फॉर कंजम्पशन डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी अब जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाई देगा इकोनॉमी में तो पहला पहला रीजन है जनरली हम देखते हैं जैसे हमारे डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया है अब हमारे इकनॉमी में पॉपुलेशन गो ऑन इंक्रीजिंग अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वो भी साइमल्टेनियसली बढ़ेगी और एज अ रिजल्ट वी फाउंड डिमांड पुल का इन्फ्लेशन नंबर टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई ये भी सेकंड रीज़न है कॉजे है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मनी सप्लाई बढ़ गई अब हमने मनी सप्लाई चैप्टर भी देखा है अब सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है बच्चों मॉनेटरी अथॉरिटीज़ अब मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ने सपोज सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दिया अब उससे क्या इफेक्ट आता है हमने देखा है उससे ये होता है रेट ऑफ़ इंटरेस्ट फॉल हो जाता है जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और जब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट की डिमांड ज़्यादा हो गई यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया तो वो कंजम्पशन की डिमांड को भी बढ़ा देगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड पुल हो गई ना तो आपकी सप्लाई ऑफ मनी जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल हो गया तो क्रेडिट बिकम्स वेरी इजी तो इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ी कंजम्शन की डिमांड बढ़ी एंड ओवरऑल देयर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखो कितना आसान है थर्ड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर अब हमारी इकोनॉमी जब डेफिसिट बजट फॉलो करती है तो उस दौरान क्या होता है बच्चों उस दौरान हम देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सीड पब्लिक रिवेन्यू यानी हमारी गवर्नमेंट का खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाता है और जब हमारी गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी इट डिस्ट्रीब्यूट मोर इनकम थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर तो लोगों की इनकम बढ़ गई अब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो इनडायरेक्टली डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज वो भी बढ़ जाएगी यानी अगेन इट विल रिजल्ट इन डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो फिर से आपकी इकनॉमी में डिमांड पुल का इन्फ्लेशन दिखाई देगा नेक्स्ट है क्रेडिट क्रिएशन अब क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है बच्चों कमर्शियल बैंक्स क्योंकि कमर्शियल बैंक्स को हम कहते हैं फैक्ट्रीज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन क्योंकि क्रेडिट को क्रिएट करने का काम है कमर्शियल बैंक्स का और क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम किसका है सेंट्रल बैंक का अब जब क्रेडिट क्रिएशन होता है तो हमारी कमर्शियल बैंक जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वे से आपके क्रेडिट को क्रिएट करती रहती हैं अब जब क्रेडिट के लिए बहुत सारी आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज मिलेंगी इज़िली कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज मिलेंगी आपको ज़ीरो कॉस्ट पे, ईएमआई पे ज़ीरो इंटरेस्ट पे बहुत सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो मिलने लगेंगे तो बट नेचुरल डिमांड तो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी और जब ये डिमांड बढ़ती है यानी कंज्यूमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है तो डिमांड बढ़ी और जब डिमांड बढ़ी यानी क्या आया आपके सामने डिमांड पुल यानी डिमांड आपकी बढ़ गई ज़्यादा बढ़ गई लेकिन सामने से उतनी सप्लाई नहीं है एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन इकोनॉमी में दिखाई देती है तो ये सब रीज़न्स हैं हम डिमांड को पुल करते रहते हैं डिमांड को खींचते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी में वो स्टेज को हम पहुंच जाते हैं जहां पे वही फाइंड कि शॉर्टेज एंड स्क्योर्सिटी इन द इकनॉमी यानी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई हमारे पास नहीं है सप्लाई उतनी ही फिक्स्ड है लेकिन डिमांड बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट भी हम डायग्राम में देखेंगे बच्चों कैसे होता है वो डिमांड पर तो ये था क्रेडिट क्रिएशन जब कमर्शियल बैंक्स आपके सामने बहुत ही अच्छे कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है तो बटे नेचुरल हम बहुत सारे लोन्स जो हैं वो इजीली ले लेते हैं और जिससे हम बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करते रहते हैं एज अ रिजल्ट डिमांड विल गो ऑन इंक्रीजिंग, यानी डिमांड पुल का इन्फ्लेशन हमें दिखाई देता Next है नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स अब आपकी इकोनॉमी एक में एक्सपोर्ट बड़ा है अब इसके दो इफेक्ट्स होते हैं बच्चों क्या होता है जब हमारे एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट export करते हैं तो दे विल गेट द रेवेन्यू उन्हें अच्छे रेवेन्यूज मिलेंगे और एक्सपोर्टर्स के बाद जब अच्छी इनकम आएगी तो इट विल इंक्रीज अगेन मोर इन्वेस्टमेंट का डिमांड एंड कंजम्पशन का डिमांड तो एक तो रीजन ये है कि जिसकी वजह से उनके हाथ में बहुत ज्यादा पैसा आ गया सप्लाई ऑफ मनी आ गई एक्सपोर्ट से ज़्यादा इनकम आ गई तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा कंज़म्पशन डिमांड इसमें रिज़ल्ट हो गया इसका दूसरा पहलू भी है इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है वो ये कि जब एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में शॉर्टेज होती है स्क्यसिटी होती है और उस शॉर्टेज और स्क्योरसिटी की वजह से आपकी इकनॉमी में प्राइस लेवल पड़ता है तो ये भी इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में दिखाई देता है तो दो इफेक्ट रहते हैं एक तो एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा इनकम मिल जाती है जिससे इन्वेस्टमेंट डिमांड कंज़म्पशन डिमांड बढ़ हो, बढ़ जाती है तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन दे एक्सपोर्ट देयर क्वांटिटी टू द फॉरेन कंट्रीज दैन देर अनेबल टू सप्लाई मोर क्वांटिटी इन डोमेस्टिक मार्केट एज अ रिजल्ट शॉर्टेज एज अ रिजल्ट स्क्यसिटी तो उसकी वजह से भी हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन दिखाई देता है बिकॉज सप्लाई विल बिकम इनिलास्टिक सप्लाई बदलेगी नहीं लेकिन डिमांड पुल हो रही है और उन्होंने अपना ज़्यादा जो गुड्स थे वो एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर दिए और डोमेस्टिक मार्केट के लिए होम मार्केट के लिए उन्होंने कम सप्लाई किए तो ऐज अ रिजल्ट फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट अब पब्लिक डेप्ट को जब हम देखते हैं बच्चों तो पब्लिक डेप्ट जो है वो हमारे मॉडर्न गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जो हम कहें एक टूल है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री क्योंकि जनरली जब हम मॉडर्न इकोनमिस्ट जे एम किंग्स की बात करते हैं तो ही ऑलवेज फेवर फॉर डेफिसिट बजट उसने डेफिसिट बजट को ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमारी गवर्नमेंट का रोल इतना एक्सपांड हो गया है इतना ब्रॉड एंड वाइडर हो गया है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे ट्रेडिशनल फंक्शन के साथ साथ जो बहुत सारे वेलफेयर स्टेट के भी फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते एंड दैट इज़ वाई दे रिक्वायर मोर फंड्स और हमारी पब्लिक रिवेन्यू जो है वो हमारे इस पब्लिक एक्सपेंडिचर के नीड्स को सेटिसफाई नहीं कर पाते हैं इसके लिए गवर्नमेंट डाइवर्ट करती है टू अ पब्लिक डेप्ट और जब पब्लिक डेप्ट वो लेती है तो आफ्टर उसके मैच्योरिटी के बाद दे हैव टू रीपे द लोन्स टू द पब्लिक उन्हें पब्लिक को वापस करना पड़ता है और जब गवर्नमेंट वही पब्लिक डेप्ट लोगों को पब्लिक को रीपे करती है तो सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी में बढ़ा और जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा तो उनके हाथ में पैसा आया पब्लिक के हाथ में पैसा आएगा तो इट विल इंक्रीज देयर डिमांड तो वो उनकी डिमांड को पुल कर देती है बढ़ा देती है बट नेचुरल अब आपको लगेगा कि इस डेट को हमारे जो एफ डीज़ हैं या हमारे जो बॉन्ड हैं या हमने जो लोन गवर्नमेंट को दिया था म्यूचुअल फंड्स हैं वो ड्यू हो रहे हैं तो बट नैचुर लगेगा इतना लमसम इतना सब्सटेंशियल अमाउंट हमारे हाथ में आएगा हम ये परचेज़ करेंगे हम वो परचेज़ करेंगे एक बहुत बड़ी लाइन जो है वो हमारे डिमांड की हमारे ब्रेन में कंस्ट्रक्ट हो जाती है और ये होता है तो जब भी आपकी इकनॉमी में गवर्नमेंट रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट कर रही है यानी सप्लाई ऑफ मनी बड़ा है बच्चों और जब सप्लाई ऑफ मनी बड़ा है तो लोगों के हाथ में इनकम आया हमारे हाथ में इनकम आया यानी हमारे डिमांड को उसने पुल किया क्योंकि जब पैसा आएगा तो वी विल ट्राई टू स्पेंड ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज हम अपनी बहुत सारी डिमांड्स को सेटिस्फाई करना चाहेंगे और उसके लिए डिमांड पुल हो जाएगी तो ये भी एक इफेक्ट आता है कि पब्लिक डेप्ट को जब हम रीपे करते हैं तो वो भी हमारे डिमांड को पुल कर देता है नेक्स्ट है ब्लैक मनी अब हमारी इकोनॉमी में हम देखते हैं कि ड्यू टू ब्लैक मनी ड्यू टू करप्शन ड्यू टू टैक्स एवेशन, ड्यू टू इीगल एक्टिविटीज ड्यू टू स्मगलिंग हमारी इकनॉमी में बहुत सारे मनी की ऐसी ट्रांजेक्शन्स दिखाई देती हैं और जब ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारी इकनॉमी में तो बट नेचुरल आपके हाथ में पैसा ज़्यादा है क्योंकि ब्लैक मनी का पैसा है टैक्स एवेशन किया है स्मगलिंग से हमने ज़्यादा कमाया है करप्शन से अब ज़्यादा कमाया है जो ज़्यादा कमाया है तो ज़्यादा आपकी डिमांड को पुल कर देगा आपकी बहुत सारे डिमांड्स को क्रिएट कर देगा अर्ज कर देगा तो उससे आपकी डिमांड पुल हो गई तो जब ऐसी इकोनॉमी में ब्लैक मनी सर्कुलेट होती है बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत से लोगों के पास कैश लिक्विड पैसा रहता है इट विल क्रिएट द डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज तो वो भी हमारे डिमांड को पुल कर देता है नेक्स्ट है इंक्रीज इन एम यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी जब हम देखते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ा यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ा यानी हमारा प्रॉफिट लेवल बढ़ा जब हमारा कैपिटल हमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा है यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ़ कैपिटल बढ़ा अब जब हमने कमाया अच्छा हमने प्रॉफिट अच्छा अर्न अच्छा किया तो बट नेचुरल मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी क्या हो जाएगी बच्चों ज़्यादा हो जाएगी बढ़ जाएगी और उससे हमारे डिमांड लेवल भी बढ़ जाएगी यानी ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ़ कैपिटल ईच एंड एवरी प्रोड्यूसर एंटरप्रनर्स दे विल अर्न मोर प्रॉफिट और वो जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ने लगी एंड एज अ रिजल्ट वी फाइंड अगेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर बच्चों नेक्स्ट है फॉरेन एड अब बहुत सी डेवलप कंट्रीज ऐसे हैं जो फॉरेन एड पे डिपेंड रहती हैं बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं और जब वो डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करती हैं यानी हमारी इकनॉमी में सप्लाई बढ़ी यानी प्रोडक्शन बढ़ी और जब प्रोडक्शन बढ़ी तो लोगों की इम्प्लॉयमेंट बढ़ी और जब लोगों की इम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो इनकम बढ़ी इससे फिर से आपकी डिमांड पुल हो जाएगी यानी फॉरेन एड भी आपकी इकनॉमी में डिमांड को पुल कर देती है तो ये कुछ फ्यू रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारी इकनॉमी में डिमांड पुल हो गई यानी डिमांड ज़्यादा हो गई लेकिन उतनी सप्लाई हमारी इकनॉमी में नहीं है सप्लाई इज सिर्फ डिमांड बढ़ रही है बच्चों और उसके लिए हमने इन इतने सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना या हमारी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ ने मनी सप्लाई का लेवल बढ़ा दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन की डिमांड बढ़ गई या हमने देखा गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंसिंग के दौरान पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया इसके लिए भी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया जिसने आपकी इकनॉमी में फिर से बहुत से इनकम को क्रिएट किया आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ा दिया आपकी कंजम्पशन डिमांड को बढ़ा दिया दैन बहुत से कमर्शियल बैंक्स ने कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज़ दे और हमारे डिमांड को पुल कर दिया या देयर इज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट लेवल आपने एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया तो नेचुरल उसने आपकी इनकम को बढ़ा दिया जिससे अगेन द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन इनकम बढ़ गई या फिर हमने देखा कि एक्सपोर्ट की वजह से आपके डोमेस्टिक मार्केट में जो है वो स्क्यसिटी और शॉर्टेज दिखाई देती है फिर से इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम दिखाई देगा बच्चों या हम देखते हैं जब पब्लिक डेप्ट रिटायर होते हैं यानी रीपे करती है गवर्नमेंट तो सप्लाई ऑफ मनी इकनॉमी में बढ़ता है जो हमारे फर्स्ट डिमांड लेवल को बढ़ा देती है देन ब्लैक मनी क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी एक में इलीगल होती हैं जैसे करप्शन से बहुत सारी लिक्विडिटी कैश जो है लोगों के हाथ में आती है बहुत से लोग टैक्स नहीं भरते हैं तो टैक्स वेजन से उनके पास कैश आ जाता है या स्मगलिंग से उनके पास पैसा रहता है अब इतना कैश रहेगा तो खर्चा तो कहीं होगा ही होगा उसकी वजह से भी डिमांड का लेवल बढ़ जाता है या मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्योंकि हमारा प्रोस्पेरिटी पीरियड चल रहा है रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है प्रॉफिट लेवल अच्छा है प्रोडक्शन अच्छा है प्राइस अच्छा है तो बट नेचुरल मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू तो कंज्यूम भी ज्यादा हो गया लास्ट हमने देखा फॉरेन एड जब फॉरेन एड आती है फिर से हमारी इकनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा और फिर से आपकी इकनॉमी में डिमांड को पुल कर दिया तो ये है सब जिससे आपकी इकनॉमी में डिमांड पुल होती है बच्चों अब हम दिखाते हैं डायग्राम में कि ये सब नाइन फैक्टर्स आपकी इकनॉमी में जब डिमांड को पुल करते हैं तो कैसे प्राइस लेवल बढ़ता है ओके बच्चों तो पहले मैंने क्या दिखाया अब डिमांड पुल हम देख रहे हैं पहले मैंने एल का फॉर्मेट लिया जैसे हम हमेशा लेते हैं अब वाई एक्सिस पे मैं दिखा रही हूँ प्राइस लेवल एक्स एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं आउटपुट यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से हमारी इकोनॉमी में कितना आउटपुट जो है वो सप्लाई हुआ तो आपकी इकोनॉमी में जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ये है एग्रीगेट सप्लाई कव अब ये एग्रीगेट सप्लाई कव जो है ये हमें क्या दिखाता है ये स्लोपिंग अपवर्ड क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी यू नो दैट सप्लाई जो है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग अब हम दिखाते हैं एग्रीगेट डिमांड का। अब एग्रीगेट डिमांड का, सपोज ये एग्रीगेट डिमांड का है ए डी वन ओके ये है एग्रीगेट डिमांड वन अब इस एग्रीगेट डिमांड का में सपोज ये फर्स्ट पॉइंट मिला अब यहाँ पे आपका इनकम लेवल आया सपोज वाई वन ओके okay? ये है वन और सामने हमें ये प्राइस लेवल मिला दैट इज प्राइस लेवल है पी वन ये पहला एग्रीगेट डिमांड का था और ये सप्लाई का था आपकी इकोनॉमी में जहाँ इंटरसेक्ट हुआ सपोज ये इक्वलेब्रियम मिला ई वन okay? ओके इक्लेब्रियम लिया या सपोज हमने पॉइंट ले लिया ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं ये है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ने एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट किया सपोज इक्वेलिब्रियम वन मिला यहाँ पे आपकी प्राइस लेवल पी वन फिक्स हो गए अब जैसे आपकी इकोनॉमी में ये डिमांड का पोजीशन बढ़ रहा है डिमांड पुल हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा या सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा पब्लिक एक्सपेंडिचर आपके इकनॉमी एक में ज़्यादा हुए आपके कमर्शियल बैंक ने ज़्यादा कंज्यूमर क्रेडिट आपको दिया या आपके एक्सपोर्टर ने ज़्यादा कमा लिया या आपने पब्लिक डेप्ट को पे किया लोगों के हाथ में पैसे आ गए या ब्लैक मनी से पैसे आए तो ये जो आपका एग्रीगेट डिमांड है ये आपका आगे शिफ्ट हो गया यानी एग्रीगेट डिमांड टू ये है ए डी वन और अभी आया ए डी टू अब आप देखो आपका एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुआ आगे हमें मिला अभी E2 टू पोजिशन बराबर अब देखो अब इस E2 टू पोजिशन पे आपका सप्लाई तो सेम रहा बराबर लेकिन आपका जो डिमांड है वो बढ़ने लगा देखो आपका सप्लाई सेम रहा लेकिन आपका डिमांड जो है वो पुल हुआ जब डिमांड पुल हुआ तो ये डिमांड का किधर चला गया आगे राइट साइड शिफ्ट हुआ क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हुआ जब डिमांड इंक्रीज़ हुआ तो हमने इतने सारे नाइन फैक्टर्स पढ़े उसकी वजह से ये डिमांड इंक्रीज़ हुआ जिसकी वजह से आपने देखा आपका वाई वन यानी इनकम बढ़ा लेकिन इफ़ेक्ट किधर हुआ बच्चों प्राइस प्राइस बढ़ गई क्योंकि सप्लाई फिक्स है आपकी डिमांड बहुत डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रही है ये पूरा डिमांड पुल इन्फ्लेशन हम दिखा रहे हैं डिमांड पुल ये इन्फ्लेशन हम दिखा रहे हैं इस पोजीशन पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन अब सप्लाई का स्लॉपिंग अपवर्ड फिर डिमांड ऐसे बढ़ी तो आपको न्यू इक्विलिब्रियम मिला E2 अब देखो इस पे प्राइस पे इफेक्ट आया समझो और डिमांड बढ़े तो और डिमांड बढ़ेगी तो और आपका डिमांड का आगे जाएगा सपोज ए डी थ्री अब यहाँ पे फिर आपको इक्विलिब्रियम इधर ई थ्री मिला फिर हम लेके आ रहे हैं इधर परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे इनकम वाई थ्री और यहाँ पे हमें मिला देखो प्राइस पी टू यानी आपका आउटपुट लेवल इतना वाई थ्री पे रहा लेकिन आपने देखा उस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे जब हम देखते हैं तो ज्यादा इफेक्ट किसका है डिमांड क्योंकि आपका डिमांड पुल हो रहा है बच्चों डिमांड बढ़ रहा है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है डिमांड का शिफ्टेड ऑन राइट साइड वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो आप देख रहे हो उसका इफेक्ट किधर जा रहा है प्राइस पे आपके इकनॉमी में महंगाई बढ़ रही है प्राइस पहले P1 थी जैसे ही डिमांड बढ़ा आपका डायग्राम आगे गया आपका प्राइस बढ़ गया P2 और आपका डिमांड का आगे गया AD3 फिर आपको नया इक्लेब्रियम मिला और प्राइस और बढ़ गया दैट इज पी थ्री आपका पी थ्री लेवल पे आ गया सपोज और आपका डिमांड बढ़ेगा आके इस तरह से और ए डी फोर यहाँ पे फिर नया इक्विलिब्रियम मिला ई फोर लेके आए सपोज परपेंडिकुलर दैट इज Y4 फोर और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा आपका प्राइस लेवल दैट इज P4 देखो इस तरह से आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन मिलता है इस लेवल पे हमने क्या देखा ए एस इज एग्रीगेट सप्लाई का जो स्लोपिंग अपवर्ड है ए डी इज एग्रीगेट डिमांड का अब इस ए डी वन ने एग्रीगेट सप्लाई कव को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ई वन जहाँ पे ओ वाई वन आउटपुट जो है वो सप्लाई हुआ किस लेवल पे ओ पी वन पे बराबर ओ पी वन आउटपुट या ओ पी वन प्राइस हुआ था जैसे ही आपकी इकोनॉमी में डिमांड पुल हुई यानी डिमांड बढ़ा सप्लाई नहीं बढ़ा बच्चों डिमांड बढ़ा तो डिमांड को किधर शिफ्ट हो गया राइट साइड शिफ्ट हो गया राइट साइड शिफ्ट, हो शिफ्ट होने से हम देख रहे हैं आउटपुट तो आपका वाई टू गया लेकिन प्राइस लेवल बढ़ गया ओ पी टू महंगाई बढ़ गई और डिमांड बढ़ा और पॉपुलेशन बढ़ी और आपकी इकनॉमी में पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ या ब्लैक मनी बढ़ी या कंज्यूमर क्रेडिट बढ़ी तो डिमांड का और आगे शिफ्ट हुआ ए डी थ्री पे अगेन वी रीच्ड एट न्यूक्लिब्रम ई थ्री जिससे प्राइस फिर से पी थ्री पे पहुंच गई आपने देखा फिर इन्फ्लेशन बढ़ गया सपोज और आपकी इकनॉमी में और डिमांड पुल होता है और डिमांड का आगे शिफ्ट होता है वही अगेन रीच एट न्यू इक्लेब्रियम लेवल E4 और इस पे Y4 आपका आउटपुट सप्लाई होता है एट P4 प्राइस तो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको क्या दिखा रहा है जैसे जैसे आपका डिमांड बढ़ रहा है आपका प्राइस जो है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है बार बार बढ़ रहा है पहले P1 था महंगाई बढ़ी P2 और महंगाई बढ़ी P3 और महंगाई बढ़ी P4 यानी आपकी डिमांड पुल होने से जब प्राइस बढ़े उसे हम क्या कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्लियर बच्चों ये है पहला एस्पेक्ट अब इसमें हमने नाइन पॉइंट्स किया अब एग्जाम में आपको सब पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन राइट एनी फाइव सिक्स पॉइंट्स सब पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट्स आपको उस समय जो फाइव सिक्स पॉइंट्स लर्न हुई आप लिख सकते हैं ओके okay, बच्चों अच्छा अब हम चलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अब देखेंगे कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है पहले उसके कॉजेस देखेंगे और फिर उसको डायग्राम से देखेंगे अब पहले हमने क्या देखा डिमांड पुल हुआ यहाँ डिमांड आपका आगे जा रहा था अभी हम देखेंगे कॉस्ट पुश हो रही है जब हम कॉस्ट पुश देखेंगे तो यहाँ पे आपका डिमांड कब जो रहेगा वो स्ट्रेट लाइन फिक्स रहेगा लेकिन आपका कॉस्ट पुश जब होगा यानी आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है तो इट विल क्रिएट सप्लाई का शक यानी सप्लाई कम होने लगेगी यानी सप्लाई की स्क्योरसिटी यानी शॉर्टेज और जब सप्लाई की शॉर्टेज होगी तो कैसे हमारा एग्रीगेट सप्लाई पे इफ़ेक्ट आएगा जब हमने डिमांड पुल देखा बच्चों तो हमने डिमांड को फोकस किया डिमांड आगे बढ़ती गई जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी और अब हम देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो पहले ये होता क्या है वो देखते हैं तो कॉस्ट पुश होता है जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगे और उसकी वजह से प्राइस बढ़े तो उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी जे एम का कहना है कि व्हेन राइज इन द प्राइस लेवल इज़ फाउंड ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़े और आपकी प्राइस बढ़े उसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं और इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में जनरली हम देखते हैं दो तरह के कॉस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं नंबर वन रहता है वेज पुश इन्फ्लेशन क्योंकि हमारी इकनॉमी में क्या है जनरली हम देखते हैं ट्रेड यूनियन का काफ़ी दबदबा रहता है और ये जो ट्रेड यूनियन है हम उन्हें कहते हैं मोनोपोलिस्टिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये मोनोपोलिस्टिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लेबर के फेवर के लिए काम करते हैं और उनकी वेजेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं भाई जैसे उनका डीए जैसे डियरनेस अलाउंस हमेशा उनका बढ़ना चाहिए जिसको हम कहते हैं महंगाई बत्ता ये जो डियरनेस अलाउंसेस हैं वो ट्रेड यूनियन हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोशिश करते हैं उनके लेबर की वेजेस को बढ़ाना तो जब प्राइस ऑफ लेबर यानी वेज रेट जब प्राइस ऑफ लेबर यानी वेज रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करती है कौन ट्रेड यूनियन या मोनोपोलिस्टिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो उसे हम क्या कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन वेज बढ़ी और जब वेज बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी कॉस्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल इफेक्ट तो आया इकोनॉमी में या कभी कभी हम और भी देखते हैं प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन अब प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन कहाँ दिखाई देता है जनरली मोनोपोली मार्केट हो या ओलोगल ओलिगोपोली मार्केट हो क्योंकि मोनोपोली में जो मोनोपोलिस्ट है ही विल ट्राई टू अर्न मोर प्रॉफिट वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है क्योंकि अकेला ही मार्केट में है कोई अदर कंपटीशन नहीं है कोई अदर जो है वो सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो ही विल ट्राई टू रेज द प्राइज एंड ही वॉन्ट टू एंजॉय द मैक्सिमम प्रॉफिट तो उसे हम प्रॉफिट पुश कहते हैं तो इस तरह का बिहेवियर भी हमें मार्केट में दिखाई देता है बच्चों तो चलो देखते हैं ये कॉस्ट पुश क्या होता है अब हमने देखा कि जब वेन देयर इज़ अ राइज इन द प्राइज लेवल वाई ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसे हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और ये किसकी वजह से होता है नंबर वन इंक्रीज इन वेजेस क्योंकि लेबर की वेजेस बढ़ रही हैं और उनको कौन बढ़वा रहा है उन्हें बढ़ाने में मदद कर रहा है आपके लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ट्रेड यूनियन जो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन है या जो ट्रेड यूनियंस है वो हमेशा लेबर के फेवर में रहती हैं उनके सपोर्ट में रहती हैं और जब लेबर की वेजेस बढ़ेगी यानी कॉस्ट बढ़ेगी और कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका कॉस्ट क्या हो गया पुश हो गया यानी आपकी फिर से प्राइस लेवल बढ़ गया नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन द मटीरियल कॉस्ट यानी बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो मटीरियल की कॉस्ट है वो कॉस्टली हो जाती है यानी yani बहुत सारे बेसिक रॉ मटेरियल्स जब हम देखते हैं जिसमें एनर्जी रिसोर्स होते हैं जिसमें स्टील होता है जिसमें सीमेंट होता है बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल रहते हैं जो आपके कॉस्टली हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्टली हो गए पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है डीजल का प्राइस बढ़ता है तो मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ने लगती है तो उनकी प्राइस बढ़ेगी तो किस में ऐड हो जाएगी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी तो इसके लिए इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल कॉस्ट जो है वो भी हमारे कॉस्ट को क्या कर देती है बच्चों बढ़ा देती है नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन अब प्रॉफिट मार्जिन भी हम देखते हैं अब सपोज कोई मार्केट ऐसा है जिसमें मोनोपोली है अब आप देखोगे मोनोपली कहाँ दिखाई देती है अब आपने देखा है कि ज्वाइंट मोनोपली यानी वॉलन्ट्री मोनोपली का एग्जाम्पल दे रही है ओपेक ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अब उनकी यूनिटी है अब उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट्स प्राइसेस अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस में उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई रहता है और जब उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा तो प्राइस लेवल भी ऑटोमेटिकली हाई होता है या अगर ओलीगोपोली मार्केट है जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं जहाँ पे टफ़ कंपटीशन है वहाँ पे भी दे आर चार्जिंग हाई प्राइसेस वाई बिकॉज दे वॉन्टेड टू एंजॉय हायर प्रॉफिट्स तो अगर नेचर ऑफ मार्केट ऐसा है जहाँ पे मोनोपोली प्रोडक्ट्स हैं या ओलिगोपोली मार्केट का नेचर है तो यू विल फाइंड इट प्रोड्यूसर एन्जॉय हायर प्रॉफिट मार्जिन उससे भी आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चों पुश हो जाती है नेक्स्ट है बैकवर्ड एग्रीकल्चर सम टाइम वी ऑब्जर्व कि आपकी इकोनॉमी में अभी भी जो इरिगेशन की फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं हैं अभी भी वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी भी वो मॉडर्न सीड्स और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं यानी अभी भी ओल्ड फै जो है वो प्रोडक्टिविटी के पैटर्न यानी एग्रीकल्चर के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो इससे क्या होगा आउटपुट बढ़ेगा नहीं इससे क्या उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी में क्या हो जाएगी बच्चों शॉर्ट शॉर्टेज यानी स्क्योरसिटी तो इससे क्या होता है जब पुराने तरीके होते हैं तो कॉस्ट बढ़ती है लेकिन मॉडर्न तरीके होते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कॉस्ट पर यूनिट डाउन होती है लेकिन स्टिल दे आर फॉलोइंग द बैकवर्ड पैटर्न्स आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी है आउटडेटेड मेथड्स जो हैं वो फॉलो कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो कॉस्ट अब उनकी ज़्यादा होती है तो यहाँ पर यह भी प्रॉब्लम कहीं कहीं पे दिखाई देता है क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सारे इंडियन विलेज़ हैं रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन को फॉलो नहीं करते हैं ये भी एक ड्रॉबैक है जिससे कॉस्ट बढ़ती है नेक्स्ट है चेंज इन द एक्सचेंज रेट अब ये भी कहीं इकोनॉमी में फॉलो होता है क्योंकि जब हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो हमारी इकोनॉमीज क्या करती हैं हमेशा हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करती हैं ताकि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू को हम डेप्रिशिएट करेंगे रिड्यूस करेंगे डीवैल्यूएशन पॉलिसी फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा एक्सपोर्ट हमारा चीपर हो जाएगा और इम्पोर्ट कॉस्टली हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट को चीपर करने के लिए टाइम इस तरह के एक्सचेंज रेट्स में चेंज आते हैं जिसकी वजह से भी हम देखते हैं कॉस्ट जो है वो बढ़ने लगती है तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको इस एक्सचेंज रेट की वजह से भी दिखाई देता है यानी सम टाइम हमारी इकोनॉमी में इस तरह से इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं क्या ताकि हम इम्पोर्ट को रिड्यूस करें और एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और इसके लिए एक्सपोर्ट को सस्ता करना है तो हमने अपनी करेंसी को क्या कर दिया डेप्रिशिएट कर दिया ताकि हम एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमाएं तो इस तरह के चेंजेस इन एक्सचेंज रेट की वजह से भी समाइम हमारे ऊपर कॉस्ट का प्रेशर बढ़ता है नेक्स्ट है सप्लाई शॉक्स अब सप्लाई शॉक्स में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आपके रॉ मटेरियल्स की स्क्योरसिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है जैसे ड्यूरिंग 1970 टू 1980 का पीरियड ऐसा था जिसमें हमारी इकोनॉमी में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी और इसके पीछे यही था सप्लाई शॉक यानी स्क्योरसिटी यानी हमारी इकनॉमी में ऑयल जो था उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई क्यों क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ गया एक सप्लाई का शॉर्टेज आ गया सप्लाई की स्केसिटी आ गई तो ऐसी सिचुएशन भी क्या होता है हर एक को डिमांड ज़्यादा है लेकिन आपकी इकोनॉमी में सप्लाई नहीं है एज अ रिजल्ट कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग जो आपकी इकोनॉमी में और शॉर्टेज शॉर्टेज क्रिएट करेगा क्योंकि महंगी हो रही हैं चीज़ें तो सप्लाई बट नेचुरल कम होगी दैन इन इलास्टिक सप्लाई कभी कभी कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी सप्लाई हम चाहते हुए भी नहीं बढ़ा पा रहे क्यों क्योंकि अभी भी वहाँ पे आउटडेटेड मेथड्स हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी है वहाँ पे फंड्स की शॉर्टेज है वहाँ पे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम सप्लाई कैसे बढ़ाएं? तो कभी कभी हमारे सामने ऐसी बहुत सारे प्रॉब्लम सरकमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं कि हम उन सप्लाई को चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते यानी विल रिमेन इन इलास्टिक यानी नॉट चेंजेबल यानी आपके पास फाइनेंस की शॉर्टेज आपके पास फंड्स की शॉर्टेज हो गई तो आपके पास रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई या कहीं कहीं पर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है हम चाहते हुए भी सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आफ्टर मानसून कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है फार्मर्स हमें ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं नॉ मटीरियल तो इन इलास्टिक सप्लाई की वजह से भी कॉस्ट जो है वो पुश हो जाती है क्योंकि उतना मार्केट में एक्सपेक्टेड टारगेट्स सप्लाई नहीं हो पाते हैं लास्ट है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अभी ये भी हमारी इकनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है बहुत टाइम से क्योंकि अभी भी रूरल एरियाज़ जो हैं दे आर नॉट हैविंग द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जैसे उनके पास अच्छे रोडवेज नहीं हैं उनके पास डैम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इरीगेशन फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी अभी तक अवेलेबल नहीं है तो हाउ दे विल यूटिलाइज इरीगेशन का फैसिलिटीज ड्रिप इरीगेशन हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो नहीं यूज़ कर पाते हैं तो कहीं कहीं पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं की वजह से भी सप्लाई कम होती है और शॉर्टेज और स्केसिटी दिखाई देती हैं तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से जनरली हम ऑब्जर्व क्या करते हैं बच्चों कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी आपकी इकोनॉमी में शॉर्टेज और फैक्टर्स की कॉस्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग और वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो किस तरह से आपकी इकोनॉमी में डायग्राम की पोजीशन में हम दिखा सकते हैं दैट वी बल चलो वो देखते हैं किस तरह से आपकी इकोनॉमी में आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है यानी सप्लाई जो साइड है वो अभी आपकी इकनॉमी में प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता रहेगा यानी महंगाई का एक दूसरा एस्पेक्ट जो हम देखेंगे ओके बच्चों क्योंकि डिमांड पुल में हमने देखा पावरफुल फैक्टर क्या था डिमांड लेकिन कॉस्ट पुश में आपका पावरफुल फैक्टर क्या है आपका सप्लाई लेट्स सी पहले हमेशा एल का फॉर्मेट पहले हमेशा एल का फॉर्मेट y एक्सिस पे हमने क्या दिखाया बच्चों प्राइस लेवल अब ओरिजिन और x एक्सेस पे हम क्या दिखाते हैं बच्चों okay? आउटपुट ओके अच्छा अब हम दिखाएंगे डिमांड पुश इन्फ्लेशन चलो हेडिंग दे दिया पहले डिमांड पुश इन्फ्लेशन अब इस डिमांड फुल इन्फ्लेशन में हमने बताया बहुत सारे फैक्टर्स थे यानी आपकी डिमांड जो है वो आपकी कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है नॉट डिमांड बट कॉस्ट पुश कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है कॉस्ट बढ़ गई है क्यों क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस आपकी बढ़ गई है और उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस ने आपके ओवरऑल प्राइस को बढ़ा दिया जिसमें आपके वेजेस वो आपके लेबर ज़्यादा ले गया है क्योंकि ट्रेड यूनियन उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग है और ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सपोर्ट करती रहती हैं प्लस आपके मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है या प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा दी है या आपके एग्रीकल्चर से हमें उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही क्योंकि अभी भी वो ओल्ड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं एक्सचेंज रेट जो है वो हमारे फेवर में नहीं है वो हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करते रहते हैं इसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है सप्लाई का शॉक और स्कीसिटी आता है कहीं कहीं पे सप्लाई ऑफ सम गुड्स बिकम इनलास्टिक चेंज ही नहीं कर पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं तो ये ओवरऑल है जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी में कॉस्ट जो है वो अफेक्टेड रहती है अब इसमें हम देखेंगे सपोज एग्रीगेट डिमांड ये है एग्रीगेट डिमांड कम ओके okay. अब इसमें हम देखेंगे सप्लाई कव एग्रीगेट सप्लाई कव अब ये है एग्रीगेट सप्लाई जहां कट किया सपोज यहाँ कट किया वहाँ पे हमें मिला इक्वलेब्रियम सपोज इक्विब्रियम वन अब ये आया आपका वाई वन और यहाँ आया आपका प्राइस ओके प्राइस वन ये एग्रीगेट डिमांड जो यहाँ पे कांस्टेंट है ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है नॉट डिमांड पुल यहाँ डिमांड का इफेक्ट नहीं है यहाँ की सप्लाई रिड्यूस होने लगेगी क्योंकि कॉस्ट पुश होने लगी है आपकी इकोनॉमी में स्कसिटी है जब आपकी इकोनॉमी में सप्लाई शॉक आया रिड्यूस हुआ वेजेस बढ़ गई आपकी इकोनॉमी में मटेरियल कॉस्ट बढ़ने लगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगता है तो सप्लाई कब जो है इट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड वो आपका अपवर्ड शिफ्टेड होने लगता है ये ए एस टू देखो यू गॉट द न्यू इक्लेब्रियम ई टू अब देखो इफेक्ट हुआ आपका देखो सप्लाई बढ़ कम हो गया आप देखो सप्लाई तो कम हुआ लेकिन इसकी वजह से फिर इफेक्ट क्या आया इसकी वजह से इफेक्ट ये आता है कि आपकी इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ने लगता है प्राइस लेवल ऊपर हो गया राइज हो गया आपकी इकोनॉमी में हम देखते हैं सप्लाई रिड्यूस हो गया वी गॉट द न्यू इकोलेब्रियम ई टू बट इट हैज़ डायरेक्टली अफेक्टेड ऑन द प्राइस लेवल आपकी प्राइस बढ़ गई बच्चों जब सप्लाई रिड्यूस होने लगती है शॉर्टेज है स्क्यसिटी है और ये हमारी इकोनॉमी में दिखा 1970 सेवेंटी टू नाइनटीन सेवन तक हमारी इकोनॉमी में ऑयल की प्राइस बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में बहुत से गुड्स एंड सर्विसेज की शॉटेज दिखी और उस दौरान हमारी इकनॉमी में हमने एक और प्रॉब्लम भी देखा जो हम और डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में दैट इज़ स्टैगफ्लेशन क्योंकि ये स्टैगफ्लेशन जब हम देखते हैं ये डेवलप्ड इकोनॉमी ने भी फेस किया यानी आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट होना स्लो ग्रोथ होना इन्फ्लेशन होना महंगाई भी है स्लो ग्रोथ भी है इन्फ्लेशन भी है अनएम्प्लॉयमेंट भी है यानी सारी मुसीबतें एक साथ तो ऐसी भी इकोनॉमी की सिचुएशन आती है अब इसमें सपोज और कॉस्ट पुश होने लगे और स्केसिटी का प्रॉब्लम बढ़ने लगे फिर आपका जो एग्रीगेट सप्लाई का है ये ऊपर की डायरेक्शन में और बढ़ने लगेगा ए एस थ्री फिर देखो हमें नया इक्विलिब्रियम मिला ई थ्री एंड यू विल सी दैट देखो पोजिशन ये वाई थ्री और फिर आपको मिला नया प्राइस पी थ्री देखो बड़ा फिर प्राइस आपका प्राइस बढ़ रहा है और आपका आउटपुट लेवल रिड्यूस हो रहा है तो इस तरह से हम दिखा रहे हैं डिमांड जो है सॉरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका कॉस्ट बढ़ा आपकी इकोनॉमी में स्क्योर्सिटी बढ़ा तो स्क्योर्सिटी बढ़ने से आपकी इकोनॉमी में जो सप्लाई है वो अफेक्ट हो रही है और जब सप्लाई अफेक्टेड होती है तो इट इज शिफ्टेड ऑन अपवर्ड साइड वो अपवर्ड साइड शिफ्ट हो रही है जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी में सप्लाई रिड्यूस हो रही है आप देख रहे हो ओ वाई वन से ओ वाई टू ओ वाई टू से ओ वाई थ्री यानी आपका इक्वलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है ई वन से ई टू फिर ई थ्री लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट है प्राइस का क्योंकि आपका प्राइस लेवल पी वन से पी टू पी टू से पी थ्री यानी आपका प्राइस लेवल जब जंप करने लगता है बढ़ने लगता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो क्यों होता है क्योंकि आपका प्राइस लेवल ये बड़ा है पी वन टू पी टू पी टू टू पी थ्री इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ राइज इन द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बढ़ी है बच्चों क्योंकि वेजिस बढ़ी मटेरियल कॉस्ट बढ़ी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सप्लाई शॉक हुआ इनकी वजह से आपका कॉस्ट हुआ तो ये है दो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एक तरफ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिमांड आपका बढ़ता है क्योंकि ये नाइन फैक्टर्स हैं और आपका कॉस्ट बढ़ता है क्योंकि ये एट फैक्टर्स हैं लेकिन आप एग्ज़ाम में क्या करना कोई भी पांच-छह फैक्टर्स लिखना उससे ज़्यादा नहीं यानी पांच-छह डिमांड पुल के पांच-छह कॉस्ट पुश के सब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों और मेन है उसका मेन सेंस हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज डाइग्राम जो बहुत ईजी है अगर डिमांड पुल है तो डिमांड को फोकस करो डिमांड बढ़ाओ इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग जो आपके प्राइस को बढ़ाएगा लेकिन अगर वो कॉस्ट पुश है कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई को पकड़ो सप्लाई रिड्यूस होती जाएगी देखो सप्लाई इफेक्ट हो रही है पीछे आ रहे हैं सप्लाई कम हो रही है और सप्लाई की शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ती जा रही है तो यह है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्लियर बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी लेवल पे हमेशा पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन विथ सूटेबल डायग्राम्स क्लियर बच्चों So, if you like this video, you can share with your maximum friends. And if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.